एक दूजे के वास्ते। कितनी कदर है तुम्हें रिश्तों की, अपनों की। थैंक्स सुमो। एक और बात बोलूं, आज हमारे पापाओं को देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी स्पेशल है उनकी फ्रेंडशिप। चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। और अगर कुछ हो जाने पर साथ छूट जाए तो वो दोस्ती कैसी? इसीलिए ऐसी स्पेशल फ्रेंडशिप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए, और ऐसा खास दोस्त मुझे तुम में दिखता है श्रवण। स्पेशली जो तुम्हारी कल वाली साइड देखी उसके बाद। सच्ची सुमो, मतलब हमारी भी फॉरएवर वाली दोस्ती होगी? हो सकते है क्या? बंद करो अपना ये खेल देवराज। तुमने मेरे बेटे विजय को अपने घर बुला के बेइज्जत किया, इसे कहते हो तुम दोस्ती? मुझे माफ कर दीजिए ब्रिगेडियर साहब, राजेंद्र ने नादानी में तुम्हारे उस डरपोक भाई ने मेरे पीठ पीछे क्या क्या बकवास की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि उसने मेरे बेटे के सामने बकवास की है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। मुझे मालूम है कि उन्हें बहुत बुरा लगा था, और इसीलिए मैंने आज उनसे माफी भी मांगी है। माफी तो तुम मांगोगे, क्योंकि तुम्हें जरूरत है उसकी डील में। नहीं नहीं ब्रिगेडियर साहब, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिटायर्ड हूँ, अभी भी ब्रिगेडियर हूँ, इसलिए बहुत से आर्मी के ऑफिसर से मेरे रिलेशन है, इसलिए तुम्हारी नीयत को जानता हूँ। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। गलत तो तुमने किया है मेरे बेटे के साथ देवराज, दोस्ती में धोखा देने की कोशिश की है, और उसके बाद भी मैं तुमसे बंद कमरे में बात कर रहा हूँ, जानते हो किस लिए? क्योंकि मैं गरिमा रखना जानता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दोस्त और दोस्ती को फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। और एक बात गांठ बांध लो कि अब मैं अपने बेटे को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तुम किसी लायक नहीं हो, ना दोस्ती के लायक हो, और मेरा बेटा विजय उसकी दोस्ती के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। और ये बात याद रखना, दद्दू चलिए सब बाहर इंतजार कर रहे हैं आपके खाने का। दद्दू आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ हल्का बना के आपके लिए यहीं ले आऊं? दद्दू कभी कभी घर वालों से बात करने के लिए वक्त निकालना चाहिए, आज मैं इससे बात कर रहा हूं। बेटा क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि सिविलियन को नापसंद करके मैं बात को बढ़ावा दे रहा हूं? लवे सुन रही सही, पर लोग वजह तो पूछते हैं, है ना डब्लू? मैं वो जाके कह दे मैं आ रहा हूं। अरे अंजलि साहब पानी रखा देना कमरे में। जी। क्या बात विजय, इतना परेशान क्यों हो? सॉरी पापा, आज आपने मेरी खुशी के लिए अपने सबसे खास दिन पर देवराज और उसकी फैमिली को बुलाया, और जिस तरह से देवराज बिहेव किया मुझे। अरे तू अभी तक उसी में उलझा हुआ है? कैसे ना उलझूं पापा, मैं जानता हूं कि आप देवराज और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते हो, और शायद मैं भी अब ये बात समझ रहा हूं। ऐसे बिना बताए पार्टी से जाने का क्या मतलब है? पापा मैं फिर से सॉरी फील करता हूं अपने दोस्त के लिए। मुझे तसल्ली है कि तुम्हें सच्चाई मालूम होगी,
भले वो तुम्हारा दोस्त है पर वो हमारे जैसा नहीं है और वो हमारे जैसा हो ही नहीं सकता है। तुम परेशान मत। देखा तुमने, पापा अब भी देवराज और उसकी फैमिली पे गुस्सा नहीं जता रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पापा को समझ आ गया हो कि शायद सच में उन्हें कोई जरूरी काम। कौन सा जरूरी काम? इस तरह से जाना तो पापा की बेइज्जती हुई ना। और ये तो पापा का बड़प्पन है कि इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने देवराज को खाना भिजवाया। कोई और होता तो मैं लाइफ में 10% भी पापा जैसा बन पाऊ ना, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे गर्व है अपने पापा पर। मैं रूम में हूं। भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाय हाय, ये सब क्या है? जी ये पनीर और ये टूटी हुई प्लेट। बेवकूफ, वो तो दिख रहा है ना मुझे। मैं पूछ रही हूँ ये सब किया किसने भाई? हाय, किसके भरे पेट में इतनी आग लगी है? ओ जी, ये सब आपसे हो गया है क्या? क्या बात है जी, वहां से भी आप बिना बताए चले आए, वहां कुछ खाया भी नहीं और फिर यहाँ। खैर छोड़ो, मैं ना जल्दी से कुछ बना देती हूँ। हाँ बनाना क्यों है जी, वो बीबी साहब ने आपके लिए भर का डब्बा भेजा है अपने हाथ का बना हुआ। मैंने तो डमरू चीज से दस। ओ जी, इतना गुस्सा, आप ना मुझसे बैठ के ना बात। आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। चंगा जी, मैंने पूछा चंगा जी। जी हाँ जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.